we are going to start last unit of the of our book. Okay, so this is the first poem of this unit. मालूम भालू. तो ये जो पोम है ये किससे रिलेटेड है? ये एग्जैक्टली जो हमारी एक छोटी सी प्यारी सी पोलर बियर है, क्यूट सी जो हमारी पोलर बियर है, ये जो पोम है ये उसके बारे में है कि वो कितनी ज़्यादा करेजियस है, मतलब उसके अंदर कितना ज़्यादा करेज है या फिर वो डरपोक है, या अगर करेजियस है तो वो कितनी करेजियस है, वो क्या क्या काम करती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है और कितनी ज़्यादा डेयरिंग है. ठीक है, तो ये जो पूरी जो पोम है उस क्यूट सी पोलर बियर के बारे में है. ठीक है, तो उसके अंदर कितनी ज्यादा क्वालिटीज हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में हमें ये वाली बात हमें इस पोम के अंदर बताया जाएगा. और वो कितनी ज्यादा ब्रेव है और वो कितनी ज्यादा कितनी जल्दी से उसने बहुत सारी चीजें सीख ली है. ठीक है, वो इतनी छोटी है लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से जो भी उसके पेरेंट्स जानते हैं वो सारी चीजें उसको बता दिए उसके पेरेंट्स ने, उसने जल्दी से वो कुछ कैचअप कर लिया है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द पोम. High up in an icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. तो हमारा जो first stanza है इसका जो meaning क्या है basically? उसको line wise line समझते हैं. High up in an icy lair. Icy lair का मतलब होता है, लेयर जो होती है ना उसका मतलब होता है आपका जो भी हैबिटेट है, जहाँ पर भी आप रहते हो. ठीक है, उसका मतलब होता है लेयर, तो जो भी आपकी रहने वाली प्लेस है. ठीक है, तो इनहैबिटेट जो भी आप जहाँ पर भी रहते हो. हाई अप इन एन आईसी लेयर, जो हाई अप जो है आईसी लेयर की जो हाई अप है ना, हाई अप जो है आईसी, वहाँ पर एक लेयर है, यानी कि वहाँ पर उनका हैबिटेट है. कहाँ पर? जहाँ पर ये छोटी सी लिटिल पोलर बियर रहती है. ठीक है, लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर, वहाँ पर जो है एक छोटी सी पोलर बियर है, यानी कि हमारी जो मालू भालू है वो वहाँ पर रहती है. स्नो वाइट स्नो ब्राइट, वो कैसी है? बिल्कुल वाइट है और बिल्कुल ब्राइट है. वॉज हर मेन, मेन मतलब होता है जब नेक के ऊपर जो बहुत सारे बाल होते हैं ना, उसको हम कहते हैं मेन. ठीक है, तो उसकी जो स्नो वाइट और स्नो ब्राइट वो है और उसकी मेन भी बिल्कुल ब्राइट है. मालू वालू वॉज हर नेम, और उसका नाम क्या है? मालू भालू. तो हमारी पोम का भी नेम यही है, मालू भालू. ठीक है, तो वो जो लिटिल सी पोलर बियर है उसका नाम क्या है? मालू भालू. वेरी सून, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट स्टैंजा. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. तो हमारे पास ये सेकेंड स्टैंजा, इसको देख लेते हैं एक बार. Very soon our Malu Bhalu, जल्द ही जो हमारी Malu Bhalu है, learned the things her parents knew. वो सारी चीजें सीख गई है जो उसके पेरेंट्स को आती हैं, जो उसके पेरेंट्स उसको सिखाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग छोटे होते हो, ठीक है, फिर आप जल्दी धीरे धीरे आप ग्रोइंग अप करते हो ना, धीरे धीरे आप बड़े होते हो, तो आपके पेरेंट्स भी वही चीज़ें आपको सिखाते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के थ्रू आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि नहीं हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, और आप उनकी लैंग्वेज भी अडेप्ट करते हो. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है, तो किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको कपड़े कैरी करने हैं, और अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है. तो इन द सेम वे उसके मालू भालू के पेरेंट्स भी उसको कई सारी चीज़ें सिखाते हैं. वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है और इतनी ज़्यादा स्पेशल है वो, कि वो बिल्कुल जल्दी से वो सारी चीज़ें अडेप्ट कर लेती है जो भी उसके अराउंड है. ओके, कुछ बच्चों को लगता है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ बच्चे जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो बच्चे गिफ्टेड होते हैं. तो मालू भालू भी हमारी गिफ्टेड है. ठीक है, वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की, एंड शी इज ए स्पेशल ऑल्सो. तो वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. तो इसका बेसिकली मतलब यही था कि मालू भालू ने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं जो उसके पेरेंट्स उसको सिखाना चाहते हैं, और जो उसके पेरेंट्स को आती हैं वो सारी चीज़ें मालू भालू ने सीख ली हैं. राइट, फिश टू कैच, उसने जो है फिश को कैच करना भी सीख लिया है. बिग एंड स्मॉल, ठीक है, चाहे फिश छोटी हो या बड़ी हो, उसने अपने पेरेंट्स से वो भी सीख लिया है फिश को कैच करना, और काफ़ी जल्दी सीख लिया है. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू बहुत ज़्यादा स्मार्ट गर्ल है. क्लेवर का मतलब है स्मार्ट गर्ल है, चालाक लड़की है, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बिल्कुल जल्दी से सीख लिया उसने. राइट, नाउ वी आर डन विद द सेकेंड पैरा. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पैराग्राफ. Malu said to her mother, "One day, Ma, I am going far out to play. I want to see the thing that lie." ठीक है, तो
मालू जो एक दिन अपनी मम्मी से क्या बोलती है, मालू सेड टू हर मदर वन डे, एक दिन वो अपनी मम्मी से बोलती है, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, माँ मैं बहुत दूर जा रही हूँ खेलने के लिए, ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, और मैं ना यहाँ से जो मेरे अराउंड जो चीज़ें हैं, जो मेरे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, मैं उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखना चाहती हूँ, मैं उससे ज़्यादा इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं और भी चीज़ें देखना चाहती हूँ जो इससे भी बियॉन्ड है, ठीक है, मैं लिमिटलेस चीज़ें देखना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत दूर खेलने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, there beyond the big blue sky a little patience, child said mom, in the summer when next it comes, summer patience, what a test, malu simply couldn't rest। अब इस स्टैंजा का मतलब समझते हैं, बड़ा ही प्यारा सा स्टैंजा है, बहुत ही प्यारी पोम है ना ये। There beyond the blue, big blue sky, तो मालू कहती है अपनी मम्मी से कि बिल्कुल इससे भी ऊपर ना एक बड़ा सा ब्लू स्काई है, बियॉन्ड मतलब इससे भी आगे एक बड़ा सा ब्लू स्काई है। फिर मालू की मम्मी कहती है उससे, सैड मम का मतलब है उसकी, मालू की मम्मी उससे बोल रही है, a little patience child, अरे बच्चे थोड़ा सा सब्र रखो, in the summer when it comes, when next it comes, ठीक है, तो जब समर आएंगी आगे, जब दूसरी समर आएगी, जब नेक्स्ट समर आएगी, समर व्हाट अ पेशेंस, वो कहती है अभी थोड़ा रुक जाओ, जब नेक्स्ट समर आएगी तो हम ये एक्टिविटीज कर लेंगे। तो मालू उसकी, मालू उनकी बात पर क्या बोलती है, समर व्हाट अ पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, सबर रखूँ मैं इस चीज़ के लिए, और समर तो कब आएगी, अभी तो समर गई है, फिर कब समर आएगी, ठीक है, ये कितना सा टेस्ट है, व्हाट अ टेस्ट, इस तरीके से मालू रिएक्ट करती है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू जो है वो रेस्ट नहीं करती, ठीक है, मालू ने कोई रेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट, First thing first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear, you will have to swim. तो इस पैराग्राफ का मतलब देखो क्या है, First thing first, Malu's mom, तो पहली चीज क्या है, मालू की मम्मी बोलती है सबसे पहली चीज क्या है, फिर उसके बाद मालू की मम्मी उसको टाइटली बिल्कुल इन सर्कल, क्लास्प का मतलब होता है इन सर्कल कर देना, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से इन सर्कल करके कोई चीज को आपको होल्ड कर लेना, तो उसकी जो मम्मी है उसको मतलब हक करके बिल्कुल होल्ड कर लेती है इन सर्कल, मालू को टाइटली अपनी आर्म्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में थोड़ा सा आपको शो हो रहा है। देन शी सेड, हर वॉइस वॉज फर्म, फिर उसके बाद कहती है उनकी जो वॉइस थी बड़ी सॉफ्ट सी थी, फर्म थी, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, तो पहले तुमको बेटा स्विम करनी पड़ेगी, पहले तुमको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, ओके। देन उसके बाद ये नेक्स्ट पैरा है, बट माँ सेड मालू, वॉट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर, डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, Do as I do, that all, she advised her. तो इस पैरा का मतलब है, but ma, said Malu, Malu कहती है, but ma, what do I know? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, swimming के बारे में. How will I? तो मैं ये कैसे करूँगी, swimming कैसे मैं attempt करूँगी? I will never swim before. मैंने कभी पहले swimming की ही नहीं है. Don't worry, dear. उसकी मम्मी कहती है, चलो चिंता मत करो बेटा. सैड मालूज मदर, उसकी मम्मी ऐसे बोलती है कि चलो टेंशन मत लो, डू एज आई डू दैट ऑल शी एडवाइज्ड हर, वो कहती है चलो ऐसे करना जिस तरीके से मैं करूँगी ना, मुझे इमिटेट करके करना। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप भी कोई नया काम करने जा रहे होते हो, जब ये आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि बेटा ये करना सीख लो, इस काम को कर लो, जब आपको नहीं आता तो आपकी मम्मी भी क्या करती हैं, आपको कहती हैं कि चलो जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से करो और मुझे इमिटेट करके करो। तो कुछ बच्चे होते हैं उसके अंदर तो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, तो ऐसी ही हमारी मालू भालू है, इतनी प्यारी है, ठीक है, इसको कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, वो जल्दी से बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट में, She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand. Into the water splashed to land. Okay, कितनी प्यारा सा पैराग्राफ है ना, कितनी क्यूट पोम है, मतलब इस पोम के अंदर कितनी ज्यादा क्यूटनेस है। देखते हैं, शी हैड नो चॉइस, अब जब उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि तुमको स्विमिंग करनी है, तो उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बचती। जब कभी आपकी मम्मी भी आपको बिल्कुल बोल देती है नहीं 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 तुमको यही यही काम करना है, तो आप तो कहते हो मम्मी की बात मानते हो ना, फिर आप वही वाला काम करते हो। शी हैड नो चॉइस,
no other way. उसके पास कोई choice नहीं बचती है, कोई तरीका भी नहीं बचता है. मालू had to swim that day. मालू को जो है उस दिन स्विम करना पड़ा. ठीक है, जब उसकी मम्मी ने उसको एडवाइस कर दिया, बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, ऑर्डर कर दिया तुमको स्विम करनी पड़ेगी, तो उस दिन चलो ठीक है मम्मी इतना बोल रही है तो कर लेते हैं. ठीक है, उसका मन भी नहीं था लेकिन उसने मम्मी की बात मानकर स्विमिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है, स्विमिंग की उसने. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड. अब वो टाइटली अपनी मम्मी का हाथ ना पकड़ लेती है, ग्रिप कर लेती है. ग्रिप का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे पकड़ लेना, ग्रिप कर लेती है, टाइटली ग्रिप कर देना किसी भी चीज को. इन टू द वाटर स्प्लैश. और वाटर के अंदर जब वो स्प्लैश करती है ना, वाटर के अंदर इस तरीके से स्प्लैश करती है टू लैंड, लैंड की साइड. ठीक है, फिर लैंड तक वो पहुंच जाती है वाटर में स्प्लैश करते करते, यानी कि स्विम करते करते. ओके, नेक्स्ट है ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर. डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. मालू स्वैम विद ऑल हर माइट. It did not matter wrong or right. अब देखो ये कितना प्यारा सा स्टैंसा है, इसके अंदर क्या बोला गया है. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर. बहादुर माँ की बहादुर बेटी. डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. मतलब जो भी उसको डाउट था, जो भी उसको मतलब डर था, वो पीछे छोड़ कर आ गई है. उसका जो डाउट और फियर था उसने पीछे छोड़ दिया है. जो भी उसको अपने ऊपर शक था कि मैं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी, वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी ना अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे तो आती ही नहीं है स्विमिंग, मैंने तो कभी की नहीं है. देन उसके बाद जो भी उसको डाउट था और जो भी उसको फियर था उसने पीछे छोड़ दिया था. मालू स्वैम विद ऑल हर माइट. मालू जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ से स्विम करती है. माइट का मतलब होता है बेटा स्विमिंग कर, पूरी स्ट्रेंथ से स्विमिंग करना. राइट, इट डिड नॉट मैटर ऑफ रॉन्ग और राइट. अब इसमें कोई सही गलत बचती नहीं है, सही गलत की कोई बात ही नहीं आती है. वो बिल्कुल अपने फियरलेसली स्विम कर रही है. राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा. बट स्विमिंग केम सो नेचुरली. हर मदर न्यू दिस and all could see. Fearless was Malu. This she knew. Not just brave, but special too. तो इसके अंदर बेटा क्या है, बेसिकली कितना ब्यूटीफुल सा आइडिया छुपा है ना, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये पोम ही. एक्चुअली इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है. बट स्विमिंग केम सो नेचुरली. अब जिस तरीके से मालू स्विमिंग कर रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो फर्स्ट टाइम सीख रही है, ऐसा लग रहा था कि उसको स्विमिंग नेचुरली आती है. हर मदर न्यू दिस, और उसकी मम्मी भी जानती थी ये बात. एंड कुड ऑल कुड सी, और उसको देख रही थी. ठीक है, और वो जानती थी और वो देख भी रही थी. Fearless was Malu. और मालू फियरलेसली स्विमिंग करे जा रही थी, करे जा रही थी. कितनी ज़्यादा फियरलेस थी.